गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए। देखिए गाइस क्या मस्त जो हमारा मिनी ब्लूटूथ स्पीकर जो है काम कर रहा है। हेलो फ्रेंड, तो कैसा आप? तो गाइस यार आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाने वाला हूं और उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज है, मतलब जो आप बगीचे में भी रख दोगे तो पता नहीं चलेगा कि इतनी तेज आवाज आ कहां से रही है। और गाइस उसका साइज भी काफी ज्यादा जो है छोटा होने वाला है एंड वो रिचार्जेबल भी होने वाला है। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और जो भी हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा जोर देंगे का काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा जोर देंगे। तो गाइस इस मिनी ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूं इस तरीके के एक स्प्रे पेन का। यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर स्प्रे भी है एंड इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके के कैप का, देख सकते हैं इस कैप की जो है हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है छोटा भी है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा भी, मतलब हमारी पॉकेट में बड़ी आसानी से ये आ जाएगा, तो इसलिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ये रहा हमारा खजाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो और भाई सब काफ़ी सारा जो है स्पीकर पड़े हैं। यहाँ पर से देखते हैं, नहीं ये कोई मज़ा नहीं आएगा इसमें लगाने से। ये भी ये साइज का है, कोई बढ़िया सा लेते हैं ताकि जो इसके अंदर फिक्स आ जाए। ये इसके अंदर काफ़ी अच्छे से फिक्स आ रहा है बट ये थोड़ा सा बाहर से गंदा हो रहा है, कोई अच्छा सा देखते हैं। ये तो भाई इसके अंदर जा ही नहीं रहा, ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी अच्छा है एंड ये इसके अंदर काफ़ी अच्छा मस्त एकदम फिक्स आ रहा है। तो चलो अभी हम इसको ही ले लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो इस ब्लूटूथ स्पीकर में लगाने के लिए मेरे पास कितनी सारी जो है बैटरी है, यहाँ पर आप देख सकते हो हर तरह की। तो अब इसके अंदर हमें कौन सी फिक्स करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो लैपटॉप की बैटरी का जो है इसके अंदर नहीं आ रही, तो इसका हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये कैमरा की है, पता नहीं कौन सी, ये भी इसके अंदर नहीं आ रही वाली, ये इसके अंदर लगाएंगे तो हमारे स्पीकर की काफ़ी ज़्यादा जो है जगह घिर जाए। और ये तो चार्ज होती नहीं, ये देखते हैं ये अगर नहीं, ये भी नहीं आ रही गाइस। ये आप इसका यूज़ कर सकते हो, ये इसके अंदर आ भी रही है इस तरीके से बट ये जो है काफ़ी छोटी है। आप जो है दो पैरेलल में लगाकर और इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बैटरी बची, ये इसके अंदर काफ़ी अच्छे से फिक्स आ रही है एंड ये हमारी जो है काफ़ी जगह भी बच रही है। यहाँ पर हम चार्जिंग मॉड्यूल और मदरबोर्ड जो है काफ़ी अच्छे से लगा लेंगे। तो चलो गाइस आप इससे जल्दी से बैटरी को सफ़ा करते हैं और अच्छे से तार जोड़ते हैं। देख सकते हो इस तरीके से जो है बैटरी को जो है चमका दिया, मतलब दो तार अच्छे से जोड़ दिए हैं। तो गाइस ये रहा हमारा मिनी होम थिएटर, इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो गाइस ये रहा इसका थंबनेल, जाकर जरूर देखिएगा, काफ़ी मस्त जो है वीडियो है ये। गाइस आप इसे जल्दी से खोलते हैं क्योंकि मेरे पास दूसरी मदरबोर्ड नहीं है, तो इसमें सही जो मैं निकालने वाला हूँ, देखते हैं खोलता है या नहीं। चलिए गाइस जल्दी से खोलते हैं, वीडियो करते हैं फास्ट। देखिए गाइस जैसा आपके सामने जो है बंद कराता है एंड ऐसा का ऐसा ही निकला है। तो चलो गाइस अब जल्दी से मदरबोर्ड को आराम से निकालते हैं क्योंकि यही जो है काफ़ी काम की होने वाली है। तो चलो गाइस डीसोल्डिंग करते हैं। तो गाइस ये रही हमारी ब्लूटूथ मदरबोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो इसे डीसोल्डिंग कर जो हमने मिनी होम थिएटर में से जो है निकाल लिया है। तो आपने उसकी वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसके कनेक्शन में आपको बता देता हूँ, कनेक्शन जानने से पहले इसका नाम यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा तो देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक और रेड, ये जो हमारे ब्लूटूथ स्पीकर के हैं। यहाँ पर भी आप स्पीकर लगा सकते हैं एंड यहाँ पर भी। तो ये जो है रेड वायर जो है इस तरीके से जुड़े हुए हैं और ये जो है दो वायर इस तरीके से जुड़े हुए हैं और ये हमारे बैटरी के जो है निकल रहे हैं। तो कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सिंपल से हैं, छोटा सा बच्चा भी कर लगा देखो देख देख कर, जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। गाइस यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ IN4007 का डाइबोर्ड, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एक फीमेल जैक, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एक LED और एक रेजिस्टर, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके के एक बैंड। गाइस ये रहा सारा सामान जो कि हम ब्लूटूथ स्पीकर में कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलो आप जल्दी से यहाँ पर इसमें होल करते हैं एंड इसे असेंबल करते हैं और इसे जल्दी से फिक्स करते हैं ताकि इसकी जल्दी से टेस्टिंग कर सकें। तो आप इतने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में एंड तक कंटिन्यू बने रहें।
गाइस हमारे मिनी ब्लूटूथ स्पीकर के कनेक्शन जो है निमट चुके हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ये जो आप देख रहे हो ये इसका प्लस वायर है एंड सीधा प्लस वायर जो है इस तरीके से डायोड पर जा रहा है। डायोड की लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से है एंड यहाँ पर जो हमने LED लगाई थी इसके भी कनेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से है। मतलब जो है बस जो है चार्जिंग करते हुए हमारी LED जलनी चाहिए ताकि हमें इंडिकेट करे कि हमारी बैटरी जो है काफ़ी अच्छे से चार्ज हो रही है। एंड ये जो आप देख रहे हो ये ब्लू तार आते हुए सीधा जो है स्विच से होते हुए एंड हमारी बैटरी के माइनस पर जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ तक हमारा चार्जिंग का कंप्लीट हो चुका है। एंड ये जो एक वायर स्विच से येलो आप देख रहे हो ये सीधा होते हुए जो है मदरबोर्ड पर जा रहा है, एक वायर मदरबोर्ड का सीधा ग्रीन वायर जो है प्लस पर जा रहा है एंड ये रहे हैं हमारे स्पीकर के। तो गाइज आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपकी समझ में ना आए तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको कनेक्शन जो है मैं बड़ी आसानी से डायग्राम से समझा दूंगा। तो गाइज अब इसे जल्दी से यहाँ पर इस तरीके से चिपकाते हैं एंड ये इस तरीके से यहाँ पर चिपकाते हैं और इसे जल्दी से बंद करते हैं और फिर इसकी जल्दी से टेस्टिंग करते हैं। तो आप इतने वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। फाइनली गाइस काफ़ी मेहनत करने के बाद हमारा मिनी ब्लूटूथ स्पीकर बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त जो है लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने जो है इसे मार्केट से खरीदा है, बट ये जो है हमने अपने घर पर जो है स्प्रे कैन की जो है कैप से बनाया है, क्या ज़बरदस्त जो है लग रहा है। तो चलो गाइस इसका जल्दी से लुक देख लेते हैं कि किस तरीका का ये लग रहा है। देख ले आपने लुक क्या जबरदस्त जो है हमारा मिनी ब्लूटूथ स्पीकर जो है लग रहा है। तो चलो गाइज अब इसकी जल्दी से चार्जिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जेक में लगाता हूँ पिन एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो क्या जबरदस्त जो है हमारा मिनी ब्लूटूथ स्पीकर जो है चार्ज हो रहा है। देखिए गाइज मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, देखिए गाइज क्या जबरदस्त जो है हमारा मिनी ब्लूटूथ स्पीकर जो है चार्ज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर के LED जो है काफी अच्छे से जो है जल रही है। तो चलो गाइज अब इसे जल्दी से ऑन करते हैं। तो देखो गाइस क्या मस्त जो है इसकी टोन है एंड ये इस मोबाइल से जो है ये कनेक्ट भी हो चुका है, मोबाइल के साथ जो है कनेक्ट हो चुका है। तो चलो गाइस अब इसके अंदर कोई अच्छा सा म्यूजिक प्ले करता हूँ, देखिए गाइस। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो क्या मस्त जो है इसके साउंड है, देखिए गाइस यही हमारा मिनी ब्लूटूथ स्पीकर जो है बज रहा है, देखिए गाइस तो गाइज मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। तो देखिए गाइज ये मैं पाउडर सा डाल रहा हूँ, देखिए गाइज कैसा उठ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज। तो गाइज हमारा जो है मिनी ब्लूटूथ स्पीकर काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो दूसरा म्यूजिक इसके अंदर प्ले करता हूँ। तो चलिए गाइस दोबारा से अपने मिनी ब्लूटूथ स्पीकर को चलाता हूँ और इसके जो है आवाज काफी ज्यादा तो तेज है। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए। देखिए गाइस क्या मस्त जो हमारा मिनी ब्लूटूथ स्पीकर जो है काम कर रहा है। तो गाइस देखा आपने हमारा मिनी ब्लूटूथ स्पीकर जो है कितने अच्छे से काम कर रहा है, तो काफी मस्त जो है काम कर रहा है। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाकर और इसका यूज कर सकते हो, रिचार्जेबल है और काफी ज्यादा जो है पोर्टेबल है और काफी ज्यादा जो है तेज आवाज है। तो गाइस आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और जो भी हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और ऐसी मजेदार वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।